स्वच्छ भारत का जन अभियान जाग रहा है हिंदुस्तान। हम सब ने उठाना है प्लास्टिक को हटाना है। हम सब ने उठाना है प्लास्टिक को हटाना है। जल है जल है, जल बचाएं भविष्य बचाएं। दिस इज द राइडिंग मेंटर और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गोमती के किनारे लखनऊ में, और जो आज का बहुत ही एक खास प्रोग्राम है, बहुत ही अनोखा प्रोग्राम है, स्वच्छता को लेकर, क्लीनलीनेस को लेकर। पृथ्वी इनोवेशंस ने इस प्रोग्राम को, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। बहुत सारे लोग यहाँ पे काफी तादाद में जमा हुए थे और भी लोग आ रहे हैं, एंड एक बहुत ही अच्छा लोगों तक मैसेज देने का ये इवेंट है कि आप प्लास्टिक फ्री होइए, और जो पॉल्यूशन है और भी जो तमाम तरीके की गंदगियां हैं, और जो गोमती में रिवर्स में, सिर्फ गोमती ही नहीं जितनी भी रिवर्स हैं उसको साफ रखें और अपने आसपास का एनवायरनमेंट को साफ सुथरा एकदम रखें, क्योंकि जब हमारा एनवायरनमेंट साफ होगा तभी तो हम लोग हेल्दी होंगे। तो और बेसिकली जो हमारे प्रधानमंत्री का जो स्वच्छ भारत अभियान है उसको भी आगे ले जाने की इन लोगों की कोशिश है, और ऐसे ही ये लोग प्रोग्राम्स भी करते रहते हैं। तो आगे वीडियो में आप लोग जरूर देखिएगा, पूरा इवेंट देखिएगा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली द राइडिंग हंटर चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। आपके बच्चों के साथ कोई ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा? किसी के बच्चे का कोई चोट भी लगती है तो कितना कष्ट होता है। तो ये पौधों में भी जीवन है, हम बस यही चाहते हैं। एक नागरिक की तरह हमारी कोई बहुत बड़ी पावर नहीं है, हमारी कोई क्षमता नहीं है, बट हमारी यही इच्छा है कि हम लोग अपने शहर में जंगल बना सकें। एयर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज सबसे जो लड़ने की मुहिम है उसमें पेड़ों का बहुत बड़ा योगदान है, और अगर हम पेड़ नहीं बचा पाए तो हमारे इंसान होने का जो फ़र्ज़ है वो हम नहीं निभा पाएंगे। तो हम यही चाहते हैं कि प्लीज़ गड्ढों के लिए एक प्रॉपर जगह का चयन करिए, जहाँ पर हमारे लगे हुए वन डिस्टर्ब ना हो, हमारे पेड़ पौधे डिस्टर्ब ना हो। बस मैं यही और मैं चाहती हूँ हमारे सारे लखनऊ के सभी वासियों इसके लिए आगे आएँ और इस बात को लेकर प्रशासन से एक पॉजिटिव पहल करें कि हम लोग विकल्प ढूंढें, क्या एक इको फ्रेंडली विकल्प क्या हो सकते हैं अपने त्योहारों को मनाने का, पूरी भाव श्रद्धा और सम्मान के साथ 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 पर्यावरण को भी हम कैसे बचा सकें। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि LDA नगर निगम, हमारा पूरा प्रशासन इस तरफ ध्यान दे और हम लोगों की बात को अनदेखा ना करें। हम लोग पृथ्वी इनोवेशंस की तरफ से हैं, हमने उनके साथ कोलैबोरेट करके काम करना शुरू किया है। नॉर्मली हम क्या करने जा रहे हैं कि यहाँ से हम वॉक करेंगे शहर भर में, और जो भी कूड़ा हमको रास्ते में मिलता जाएगा वो हम उठा के और लोगों को जागरूक करेंगे कि कैसे हमें अपने आसपास चीज़ों को सफाई रखना है और भूमि को साफ रखना है। ये सबसे बड़ा हमारा मोटिव है। आप पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे कुछ वॉलंटियर्स जो हैं ये कूड़ा उठा रहे हैं यहाँ पर, और ये मैसेज हम पूरे देना चाह रहे हैं पूरे एटलीस्ट लखनऊ शहर में कि साफ रखना, नदी को साफ रखना ये बहुत ज़रूरी है। यही सब हमारे जीवन के रोज़मर्रा की चीज़ें हैं और नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर हम इन्हें नहीं साफ रखेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को वो चीज़ नहीं मिलेगी जो हमने शायद अपने बचपन में देखा है, वो साफ वातावरण, खुला वातावरण नहीं मिलेगी। तो यहाँ एक हमारा एक प्रयास भी, हम लोग ने पीपल, बरगद, पाकड़ के पेड़ लगाए थे नदी के किनारे, ये सोच के कि नदी और पेड़ का घना रिश्ता होता है। जितने पेड़ लगेंगे हमारा सॉइल इरोजन नहीं होगा और कटाव नहीं होगा नदी में, नदी में कटाव नहीं होगा तो नदी का जो सिल्टिंग है सिल्टिंग कम होगी। बट ये सारी चीज़ें अगर पेड़ों को हम काट देंगे तो बहुत तेज़ गति से बारिश आएगी, सारी मिट्टी रन ऑफ कर जाएगी और हमारी नदियों में सिल्ट वो होने लगेगा। नदियों का वॉल्यूम, आप नदी की हालत तो देख ही रहे हैं, हमारी गोमती नदी किस तरह सफोकेट हो रही है। हम लोग को चिंता तो है बट हम लोग सब मिलके उतना प्रेशर नहीं क्रिएट कर पा रहे कि प्रशासन को भी इसकी तरफ प्रायोरिटी दिखाए, उसको भी ये प्रायोरिटी इशू है और हमारी नदी को साफ। स्वच्छ भारत होना चाहिए और स्वच्छ भारत होगा तो स्वस्थ भारत भी होगा, क्योंकि स्वच्छ भारत से ही स्वस्थ भारत की निशानी मिलेगी। और ये बहुत अच्छी पहल है और हम लोगों से शुरुआत, हम इसको शुरुआत कर रहे हैं, शायद हम लोगों को देख देख के ये एक लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी होगा, प्रेरणा भी होगी, और सभी लोग इसी तरह से कम ज़्यादा नहीं तो अपने आसपास के एरिया में शुरुआत करेंगे तो सफाई अपने आप ही, देश अपना भी साफ सुथरा होगा, अपनी सोसाइटी साफ होगी, प्रदेश साफ होगा, अपना देश अपना भी साफ सुथरा होगा। और ये बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है और हम सबको इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। ध्यान है एंड आप लोगों को देख ही रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे सब लोग हैं, सबके हाथ में अपने अपने पैम्फलेट्स हैं, बोर्ड्स हैं, एंड नाउ
यू सी एवरीवन वी हैव एंजॉयड दिस थॉरली एंड वी रियली अप्रिशिएट जो काम यहाँ पे हो रहा है. इट इज सैड दैट सर्टेन थिंग्स हैव हैपेंड दैट हैव अ ड्रास्टिक इंपैक्ट ऑन एनवायरनमेंट बट वी सपोर्ट द मूवमेंट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. मैं आपको बताना चाहूंगी अभी जो बात चल रही है आई वुड रियली लाइक योर सपोर्ट. ये पंचवटी भी लगाई है हम लोग ने हमारे पुराणों में और इन जनरल आध्यात्मिक तौर पर भी स्पिरिचुअली रिलीजियसली मेडिकली साइंटिफिकली पर्यावरण की दृष्टि से आर्थिक दृष्टि से ये पांच पेड़ों में उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगा देते पूरा एनवायरमेंट पॉजिटिव वाइब्रेशन को कलेक्ट करता है तो मतलब एक फूल बन जाता है पॉजिटिव. हाय गाइस दिस इज विलेन. हम लोग पृथ्वी इनोवेशंस के साथ यहाँ पर हैं. पृथ्वी इनोवेशंस के बारे में मैं बता दूँ ये गुठली बैंक भी चलाते हैं. तो जैसा कि ग्रीन पिस्टन का हमारा लोग जो है मोटो है हैशटैग प्रोटेक्शन ऑफ क्रिएशन प्लांटेशन ऑन द गो. तो हम लोग इनसे मैक्सिमम टाइम बीज लेते हैं. आज भी मैं इनके लिए बीज लेके आया हूँ जो ये लोग अपना नर्सर करेंगे और जब इसमें पौध हो जाएंगे तो हमें इन्फॉर्म करेंगे और इसके बाद इन पौधों को हम ले जाके आगे लगा देंगे. आज की जो है 150वीं वर्षगांठ जो गांधी जी की है जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा के नाम से बापू के नाम से सभी लोग जानते हैं उनके जन्मदिन के ऊपर स्वच्छता अभियान यहाँ चलाया गया है. तो हम लोगों ने यहाँ से और यूनिवर्सिटी तक का जो बीच का डिवाइडर है वहाँ से सारी प्लास्टिक इकट्ठी करी है. आप देख सकते हैं प्लास्टिक से यहाँ इकट्ठी हो गई है. तो इन प्लास्टिक की जो है मोटो यही है कि आने वाले इस साल के अंत तक हम लोग इस भारत को प्लास्टिक शासन ने दो ऑफकोर्स विसर्जन के लिए पॉट होल्स बनाए हैं लेकिन मैं यहाँ पे पिछले 10 दिन से कार्यक्रम हो रहे हैं. मैं निरंतर आ रहा हूँ. पॉट होल्स बने लेकिन कोई भी विसर्जन पॉट होल्स में नहीं कर रहा है अभी भी. हम मेरा नाम जुड़ी गौतम है. मैं बचपन से मैं पृथ्वी इनोवेशन से जुड़ी हूँ और मैंने यहाँ पर पढ़ाई भी की है पहले. अब एज ए वॉलंटियर काम करती हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम थोड़ा सा भी अपना कंट्रीब्यूट करते हैं अपने एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए. कुछ भी होता है सोशल इशू के लिए हम थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. और आगे चल के मैं भी ऐसी समाज सेवा करना चाहती हूँ. मैम आप लोग हमारी श्रद्धा वाजपेयी जी जो बराबर हमारा साथ दे रही है और इस पूरे प्रोग्राम को सफल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका रही है. मैं भी क्रिएटिव हेल्थ के अनुराधा जी से और मुझे बहुत आगे सीखने को मिला है. मैं चाहूंगी हमेशा दूरी रहूं उनके साथ. प्लास्टिक फ्री होने के लिए छोटी सी एक पहल थी तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने बैग में आप कभी भी मेरा बैग देखेंगे तो मेरे बैग में हमेशा ये पाउच रहता है. इस पाउच में स्ट्रॉ रहती है चम्मच रहती है और एक ग्लास भी हमेशा बैग में पड़ा रहता है. तो वेरेवर आई को हम कोशिश करते हैं कि कोई भी हमें डिस्पोजेबल या प्लास्टिक की बॉटल ना दे. तो अगर इस तरह से हम लोग कुछ भी अपने बैग में रख लें घर में बनाया हुआ पुराने कपड़ों का जोड़ा ही रख लें तो दैट विल बी अ वेरी गुड कॉन्ट्रीब्यूशन. या कहीं भी जाएंगे सफर पर जाए या डोमेस्टिकली भी वुमेन कहीं पर भी कोई आप देख रहे हैं इसमें बैम्बू की स्ट्रॉ है जो वॉशेबल है कहीं पर भी आप कर लें. होटल्स में भी हम लोग को हर बार ब्रश और किट मिलती है जो हम लोग को फेंकते हैं. Why not? Let's adopt these bamboo pencils.